दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से AQI बढ़ रहा है। ना सिर्फ एयर पोल्यूशन, यमुना में भी प्रदूषण पिछले कुछ दिनों से बढ़ता हुआ सबको नजर आ रहा है। जिस तरह से कालिंदी कुंज पे झाग बन रही है, ये साफ प्रमाण है कि प्रदूषण का स्तर यमुना में बढ़ रहा है। आज दिल्ली वाले ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार दिल्ली में हवा में, पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण क्या है। आज मैं सभी दिल्ली वालों को बताना चाहूंगी कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। सब दिल्ली वालों को पता है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। एक तरफ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है जिसने लगातार 2 साल के प्रयासों से पराली जलने की घटनाओं को कम किया है। केंद्र सरकार के ही आंकड़े ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब बनने से पहले 2021 में 71,300 फार्म फायर्स के स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स पंजाब में हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के प्रयास से वो 50% रिड्यूस हो गए 2023 तक, जब लास्ट ईयर मात्र 36,600 फार्म फायर्स यानी स्टबल बर्निंग पराली जलना आधा हो गया आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद। आप इस साल के भी आंकड़े उठा के देखिए, हर रोज केंद्र सरकार का इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च IARI पूसा स्टबल बर्निंग के आंकड़े जारी करता है। अगर आप उन आंकड़ों को देखने जाएंगे तो 1 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के बीच में पंजाब में 2023 में 1105 फार्म फायर्स हुई थी, वो इस साल घट के सिर्फ 811 रह गई हैं, यानी 27% रिडक्शन। दूसरी तरफ अगर आप हरियाणा और यूपी जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उनके आंकड़े देखने जाएंगे तो दिखता है हरियाणा में जहां पे पिछले साल 1 और 15 अक्टूबर के बीच में 341 फार्म फायर्स हुई थी, वो 23% बढ़कर 417 पहुंच गई हैं। यूपी में जहां पे पिछले साल 244 फार्म फायर्स हुई थी, वो 70% बढ़ के 417 पर पहुंच गई हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति बिल्कुल साफ है। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना, आज सुबह मैं आनंद विहार बस अड्डे गई क्योंकि आनंद विहार बस अड्डे में कहा जाता है कि उस इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। अगर आप आनंद विहार बस अड्डे पे दिल्ली की बसें देखिए, सारी CNG बसेस और सारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं। दिल्ली में आज एक भी डीजल बस नहीं है। 2,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट अब दिल्ली में आ गई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा जहां से इंटरस्टेट बसेस दिल्ली आती हैं, जहां पे दिल्ली के बॉर्डर पर अनेकों बस स्टैंड्स हैं, उनकी 100% बसें आज भी डीजल बसेस हैं। आनंद विहार के इलाके में प्रदूषण बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है सड़क पार करके जो कौशाम्बी बस स्टेशन है, जहां पे यूपी की हजारों डीजल बसेस आती हैं। जिस तरह आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस की एक फ्लीट खड़ी कर दी, जहां आज दिल्ली में CNG बसेस की लाइन लगी हुई है, हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती थी, यूपी की सरकार क्यों नहीं कर सकती थी?
क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति करना चाहते हैं। तीसरी बात, ईंट के भट्टे। ईंट के भट्टे लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक भी ईंट का भट्टा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीआर के एरिया में अगर आप जाइएगा तो हरियाणा में, यूपी में 3,800 ईंट के भट्टे हैं, जिनसे लगातार दिल्ली का और आसपास के इलाकों का प्रदूषण बढ़ रहा है। जो ईंट के भट्टों से पोल्यूशन आता है वो यो थोड़ी देखता है कि जी अब दिल्ली का बॉर्डर आ गया, अब यहां पे प्रदूषण रुक जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने, यूपी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए इन ईंट के भट्टों का प्रदूषण रोकने के लिए। चौथा, थर्मल पावर प्लांट्स। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सारे थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए, लेकिन यूपी में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति करने के लिए एनसीआर के इलाके में 9 हाईली पोल्यूटिंग थर्मल पावर प्लांट्स चलाती। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली के लोगों को परेशान करना चाहते। जिस तरह हवा में, उसी तरह पानी में भारतीय जनता पार्टी के नेता कालिंदी कुंज पर जाके फोटो खिंचा रहे हैं कि झाग बन रही है, पर वो आपको उसकी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। और सच्चाई ये है कि ये झाग यमुना में क्यों आता है? ये इसलिए आता है क्योंकि हरियाणा की इंडस्ट्रीज 165 MGD प्रदूषित पानी छोड़ती हैं बादशाहपुर ड्रेन से, मुंगेशपुर ड्रेन से, DD6 से 165 MGD अनट्रीटेड पोल्यूटेड वाटर। दूसरा, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार साहिबाबाद ड्रेन से, इंद्रापुरी ड्रेन से 55 MGD प्रदूषित पानी छोड़ती है। जैसे ही उनको पता चलता है त्योहार का समय आ रहा है, दिवाली का समय आ रहा है, छठ का समय आ रहा है, वो ये गंदा पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो बराज के सारे कालिंदी कुंज के गेट बंद कर देते हैं कि सारा गंदा पानी दिल्ली में आए। लेकिन आम आदमी पार्टी फिर भी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर भी समाधान ढूंढ रही है। और हमने लगातार सिलिकॉन बेस्ड फूड ग्रेड डिफॉर्मर से इस झाग को कम करने का काम किया पिछले 2 साल से, आप देख रहे हैं। आज रात से यही डिफॉर्मिंग शुरू भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी गंदी राजनीति करे, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के लिए काम करते रहें। मैं भारतीय जनता पार्टी के सामने हाथ जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, हमें पता है कि आप हमसे नफरत करते हैं, आप आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं, अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं, पर हमसे इतनी नफरत करते करते दिल्ली वालों को तो मत परेशान करिए। और मैं दिल्ली वालों को आश्वासन देना चाहती हूँ कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार, हरियाणा सरकार कितनी भी गंदी राजनीति करे, हम दिल्ली वालों के लिए कोई ना कोई समाधान, चाहे पानी के प्रदूषण का हो, चाहे एयर पोल्यूशन का हो, वो हम निकालते रहे हैं और हम निकालते रहेंगे। चाहे हमें केंद्र सरकार के सामने हाथ जोड़ने पड़े, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन दिल्ली वालों के काम जैसे हम अभी तक करते आए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते आए हैं, हम आगे भी करते रहेंगे। अब मैं चाहूंगी कि सत्येंद्र जैन जी अपनी बात रखें। दिल्ली के अंदर आजकल यमुना पॉल्यूशन के ऊपर बहुत बात हो रही है। जैसे आतिश जी ने बताया कि बीजेपी के काफ़ी सारे नेता फ़ोटोशूट के लिए आजकल जा रहे हैं, तो वो फ़ोटोशूट कराने जाते हैं, कभी इधर दिखाते हैं, कभी उधर दिखाते हैं। यमुना का जो पॉल्यूशन है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर हम यमुना को साफ़ कर देंगे, और उसको साफ़ करने के लिए युद्ध स्तर पर काम स्टार्ट हो गया था। जब काम स्टार्ट हुआ और बीजेपी को लगने लगा कि ये तो वाकई अगले इलेक्शन से पहले यमुना साफ़ हो जाएगी, तो बीजेपी ने क्या किया, पहले मुझे अरेस्ट किया क्योंकि मैं यमुना
क्लीनिंग के लिए अरविंद जी ने मेरे जिम्मे ड्यूटी लगाई थी, जल मंत्रालय मुझे दिया था, यमुना को साफ़ करने की स्पेसिफिक जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में फिर अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया। कारण यही था कि अगर दिल्ली में यमुना नदी साफ़ हो गई, इन बीजेपी वालों से तो गंगा साफ़ हुई नहीं, पर इनको ये ज़रूर पता था ये दिल्ली साफ़ ज़रूर कर देंगे। अभी आतिशी जी ने जैसे आपको बताया, दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन है, उसके अंदर बादशाहपुर ड्रेन गिरती है, वो हरियाणा से आती है। दिल्ली की कोई इंडस्ट्री नहीं है, बादशाहपुर ड्रेन के अंदर सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है, इंडस्ट्री का वेस्ट आता है पूरा का पूरा, वो सारा दिल्ली के अंदर नजफगढ़ ड्रेन को गंदा करते हुए यमुना के अंदर जाता है। दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर दो तरह का वेस्ट है, एक है ह्यूमन वेस्ट, वो इतना खतरनाक नहीं है, जो आपके घरों से जो सीवर के थ्रू जाता है वो इतना खतरनाक नहीं है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट पैदा नहीं हो रहा है, या तो यूपी की साइड से आता है, शाहदरा ड्रेन में आता है जो कि 55 MGD है, दूसरा बादशाहपुर से आता है, तीसरा DD3 से आता है, तीनों मिला के लगभग 150-200 MGD इंडस्ट्रियल वेस्ट दिल्ली के अंदर आता है, जो बहुत ही खतरनाक वेस्ट है। हमने दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली की यमुना के साथ साथ सारी ड्रेन्स को टोटली साफ करने का काम स्टार्ट कर दिया है। उसको रुकवाने के लिए ही बीजेपी वालों ने मुझे भी अरेस्ट किया, बाद में अरविंद जी को भी अरेस्ट किया, और यही राजनीति थी कि उन्होंने बाद में, अब ये पूछते हैं कि भाई साहब आपने कहा था यमुना साफ क्यों नहीं हुई, कि अच्छा आपसे बताओ क्यों नहीं हुई, कहते हमने आपको अरेस्ट कर लिया था इसलिए नहीं हुई। कोई बात नहीं, हमने अरेस्ट कर लिया था, हम करके दिखाएंगे। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, आपको ताज्जुब होता होगा कि यार ये झाग जो बनते हैं ये छठ पूजा पे क्यों बनते हैं सारे। छठ पूजा आने वाली है, दिवाली आने वाली है, अचानक पूरे साल आपको टीवी वालों को कहीं नहीं लेके जाता कोई, एक साल पुरानी फोटो देखो, एक साल के बाद अचानक फिर पैदा सारे जो होता है टूरिस्ट पैदा हो जाते हैं, अलग अलग अपने फोटोशूट के लिए चल पड़ते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं बीजेपी वाले, अपने आप से नहीं बन रहा झागी, दो कारण से बनता है। एक पहला मैंने जो बताया, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हरियाणा से और यूपी से आ रहा है उसके अंदर फॉर्माइट होता है, जिसकी वजह से ये झाग बनता है। दूसरा, कालंदी कुंज के ऊपर जो 12 गेट लगे हुए हैं उसको यूपी इरीगेशन चलाता है, सारे बंद कर देते हैं, 2 या 3 खोलते हैं, आप सारे खुलवा दो ना, कल ही खत्म हो जाएंगे झाग। फिर आपको फोटोशूट कैसे कराएंगे, आप लगो उनके पीछे कि सारे गेट खोलो जी, हमें 3 दिन गेट खोल के दिखाओ, फिर झाग बनते नहीं बनते चेक करना उनको जाके, खुद बात पैदा करते हैं, और छठ के बाद फिर खत्म भी हो जाएंगे, ये भी देख लेना, छठ खत्म, दिवाली खत्म, ये झाग भी खत्म। तो ये सब ड्रामा करने के लिए कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर यमुना को भी क्लीन करके दिखाएंगे, जैसा आतिशी जी ने बताया है, पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को भी ख़त्म करेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा आपको, हम लोग बड़े चिंतित रहते हैं कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, दिल्ली से बनारस कितनी दूर है जी, 1000 किलोमीटर तो है। आप पिछले 1 साल का, पिछले 2 साल का, पिछले 3 साल का डाटा कंपेयर कर लीजिएगा, दिल्ली का पोल्यूशन और बनारस का पोल्यूशन, दिल्ली का पोल्यूशन बनारस से तो कम ही है। बनारस के लोकल क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। दिल्ली का पोल्यूशन तो बता दिया, सबको पता है कि इतने सारे भट्टे लगा रखे हैं दिल्ली के चारों तरफ, 3000 भट्टे लगा दिए, अरे उसका पोल्यूशन दिल्ली में आएगा नहीं आएगा। अगर 7 पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट दिल्ली के अंदर, थर्मल पावर प्लांट हमने सारे बंद कर दिए, अरविंद केजरीवाल जी से कहा था मैंने, तब मैं पावर मिनिस्टर था, मैंने सर बंद कर रहा हूँ, कहते कितनी भी महंगी बिजली लेनी पड़े हम पावर प्लांट दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट नहीं चलाएंगे, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन नहीं होने देंगे, हमने तो बंद कर दिए। इन्होंने क्यों नहीं बंद किए, कहते अगर सारे बंद कर देंगे दिल्ली में पोल्यूशन कैसे होगा। ये सारे गंदी राजनीति कर रहे हैं ये लोग, पहले कहते हैं गंदगी फैलाएंगे, कहते गंदगी, कहते किसने फैलाई, कहते मैंने फैलाई, हद हो गई, तुम क्यों फैला रहे हो भाई, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। अब जैसे झाग का मैंने आपको बताया, इस झाग में ऐसी क्या खास चीज़ है, साल के बाद ही होते हैं, दिवाली आ गई, छठ पूजा आ गई, अब झाग हो गए, अब वो सारे फोटोशूट पे चलेंगे, क्योंकि इन्होंने करना था। इसको पोल्यूशन से इनको कोई लेना देना नहीं, को ड्रामा करने से मतलब है। अरविंद केजरीवाल जी का रिजॉल्व है, हम सबका रिजॉल्व है कि हम सारे काम करके दिखाएंगे, ये जितने मर्जी हथकंडे अपना लें, जो मर्जी ये कर लें। उन्होंने जेल के अंदर मुझे भी, अरविंद जी को कितनी यातनाएं दी हैं वो बताते नहीं हैं, मुझे पता है ना मैं जेल में था, वो 4 महीने जेल के अंदर है, एक आदमी से नहीं मिले, किसी को उनके सेल में नहीं जाने दिया, किसी से बात नहीं करने दी। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ सर, जो जिनको फांसी की सज़ा मिलती है ना, उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में 15 दिन से ज़्यादा नहीं रखते,
उनको तो फांसी की सजा भी नहीं दी थी। तो ये इतनी गंदी राजनीति पे उतरे हुए हैं, ये जो मर्जी कर ले, जैसा मर्जी कर ले, जितनी मर्जी बड़ी अरेस्ट कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं है। दिल्ली के अंदर यमुना को भी साफ करा के दिखाएंगे, यमुना को साफ करेंगे, पोल्यूशन खत्म करेंगे, दिल्ली के सारे काम खत्म करके दिखाएंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग। दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था बहुत स्पष्ट है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ये मात्र तीन जिम्मेदारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास है। बाकी सारा काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो वो अपना 99% टाइम लगाते हैं चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, और शायद 1% भी समय वो नहीं लगाते हैं अपने काम करने में, पुलिस व्यवस्था ठीक करने में, सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने में, दिल्ली की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षित रखने में। आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो एक समय बॉम्बे में होता था कि अंडरवर्ल्ड का राज है, गैंगस्टर्स का राज है। कल शाम को वेलकम इलाके में 60 राउंड गोलियां चली हैं। रोज रोज खबरें आती हैं कि गैंगस्टर्स एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? इसका सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में लगी हुई है और अपना एक भी काम नहीं कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से दिल्ली वालों की तरफ से अपील करना चाहूंगी कि आप दिल्ली वालों के साथ राजनीति करना छोड़ दीजिए। जो चुनी हुई सरकार के काम है वो आप हम पे छोड़ दीजिए, उसमें आप दखल मत दीजिए। हम वो काम, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, सड़कें हैं, हम सब कुछ करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद लगातार पूरी स्पीड से दिल्ली में काम हो रहे हैं। लेकिन जो काम आपकी जिम्मेदारी है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको देनी है, मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगी कि उस पर भी आप कुछ ध्यान दें। सीएम हाउस से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं पीडब्ल्यूडी के, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चे की बात है और दूसरा कुछ बाथरूम की चीज ऑटोमेटिक टॉयलेट सीट होती है वो मिसिंग है, जिसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी जब आप में से कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को सीएम आवास दिल्ली की सीएम को नहीं अलॉट करना तो वो उन्हें मुबारक है। वो भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता को चाहे वो घर दे दे। हम दिल्ली वालों की सेवा के लिए आए हैं, हमें घर से, गाड़ी से, बंगले से कोई मतलब नहीं है। हम दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे, हमें सड़क पर रहकर काम करना पड़े हम वहां पर करेंगे। अगर इन्हें घर, मुख्यमंत्री आवास दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं और हम वहीं पर बने रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कितनी गंदी राजनीति कर ले। धन्यवाद।